बिहार की मिट्टी में जिजीविषा है, प्रबुद्ध है वहाँ के लोग, मेधाशाली है, तभी दुनिया की हर क्षेत्र में, दुनिया के हर देश में बिहार के हमारे मित्र ऊंचाइयों पर बैठे हुए मिल जाते हैं। जेएनयू में से मैंने पढ़ाई की, जेएनयू हमारे में आधे से ज़्यादा हमारे मित्र बिहार को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहना चाहूँगा 303 सीटें जीती है आपकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कहूँगा हमारी पार्टी ने, क्योंकि वो लोग जिन पर जनता ने कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद विश्वास किया, उनको जिताया आँख मीच कर नहीं, बहुत प्रबुद्धता के साथ, बुद्धिमानी के साथ, उनमें आप भी एक हैं और आपकी तरह बाकी लोग 302 लोग भी हैं, 303 टोटल सीटें जीती हैं जो बीजेपी की, एनडीए की बात नहीं मैं कर रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे उम्मीदें हैं, जैसा कहा मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, और बाद में कहा सबका विश्वास। इस विश्वास के शब्द को बढ़ाने के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की, फिर मैं बात करता हूँ, बिजली, पानी, अस्पताल, सड़क, किसान, सिंचाई, आपने किसानों की बात बताई, बच्चों के लिए आपने बताया, स्वास्थ्य के लिए बताया, बिजली पानी के लिए भी हम जाना आप जरूर कर रहे होंगे, हम जानना चाहेंगे आपके ही श्रीमुख से, आप बताएं कि क्या क्या आप शुरू करवा रहे, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े, आप लगातार जीते, आप जैसे ही अच्छे लोग हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि पानी के बारे में हर घर नल जल की योजना बिहार में लागू हो गई जी, और पानी के बारे में बताऊं जी, पानी वास्तव में सिर्फ बिहार और देश की समस्या नहीं है, पानी दुनिया की समस्या बनती जा रही है, दुनिया की समस्या पानी बनते जा रही है। सहमत हूं या आप, और इसी के लिए मैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी को, मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा हृदय से कि उन्होंने पानी के लिए एक जल शक्ति मंत्रालय अलग बना दिया, बहुत साधारण बात नहीं है, जल शक्ति मंत्रालय अलग से उस पानी को देख रहे हैं जी, जी, पानी कहाँ कैसे उसको संचय करेंगे, संचित करने का भी, कैसे उसका उपयोग करेंगे, कैसे हर लोगों को पानी की कमी न हो, क्योंकि भूगर्भ में जल का जो स्तर है नीचे डाउन हो रहा है, और उसे हमें कंट्रोल करने के लिए हमें पानी संचित करना पड़ेगा, और जब हम जल संचित नहीं करेंगे तब जैसे हमारी नदियां सूख रही, नदियों को जो किनारा है समिट रहा, और उसको समिटने से हमें पूरा फैलाव की तरफ ले जाना है जी, और उसके लिए चाहे गंगा मिशन हो, वो चल रहा है काम, गंगा पर अलग से काम चल रहा है, जमुना पर अलग से काम चल रहा है, अलग अलग जल को कैसे हम संचय करें और कैसे उसको शुद्ध करें, यह सब काम एक साथ ही चल रहा है, और इसके लिए हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी की एक लंबी माने सोच है कि हम पानी की कमी होते हुए भी यहाँ पानी की कमी हम न होने दें, ऐसा उन्होंने प्रबंधन के लिए वो लगे हुए हैं। हमारे जो सवाल हैं जो हम आपसे बात करें, बेसिकली हम लोग बार बार ये इच्छा अपनी जाहिर कर रहे हैं कि इन मुद्दों पर भी आप अपने यहाँ विकास कार्यों में ध्यान दें, जैसे कि आपने बताया कुएं सूख रहे हैं, तालाब सूख रहे हैं, उनको आपने कहा कि आप उनका पुनर्नवीनीकरण करा रहे हैं, उनका पुनर्जीवन दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो इसी के बराबर बहुत बड़ी बात है, ज़रूरी बात है, जो हम सुनते हैं कि जो सांसदों को निधि मिलती है सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए, बहुत बुरी बात है, घोटालेबाज बहुत रहे हैं बिहार में, कांग्रेस की भी बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, वो निधि वो पूरी खर्च नहीं कर पाते, वो उसका पेपर बनाने में ही लगे रहते हैं कि कितना जेब में भर लिया जाए, कितना पेट में डाल लिया जाए, और उसके बाद में विकास वहीं का विकास तो होता नहीं है, दुर्दशा बढ़ती चली जाती है। तो मैं इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आप भी एक सांसद हैं, आपको भी सरकार की तरफ से वो निधि प्रदान की जाती है जो विकास कार्यों के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं निधि के बारे में आपने बात किया जी, 5 सालों में मुझे 25 लाख रुपए मैंने सरकार के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र में काम करने के लिए मुझे प्राप्त हुआ। 5 साल में 25 लाख, मात्र 25 करोड़, 25 करोड़, ओह आई एम सॉरी, मुझे 25 लाख सुने, 25 करोड़, ठीक है, एक साल में 5 करोड़ जी जी जी, और मेरे क्षेत्र में इस 5 सालों में 40 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ओहो, वो 15 करोड़ कहाँ से? 15 करोड़ रुपए 11वीं लोकसभा के, 12वीं लोकसभा के पीछे के पैसे मैंने उसको इस्तेमाल किया, उसको मैंने यहाँ से निकाल करके ले गए अपने। बहुत अच्छा किया आपने। मैं यहाँ तक बताऊँ कि 37 लाख रुपए मैंने सूद का, उन पैसों के सूद का मैंने खर्च किया क्षेत्र में, और 40 करोड़ के अलावे 25 करोड़ जो मेरा अभी 5 साल में मिला, और शेष पैसे जो मैं ले जाकर के पीछे का खर्च किया, सूद का खर्च किया, इसके अलावे भी मैंने करीब 36 लाख रुपए एडवांस खर्च कर दिया, उस क्षेत्र में मेरा लग गया, मतलब पैसा बचने की बात छोड़ दीजिए, पैसा हम लोग अब एडवांस जाएगा तो वो खर्च में जुट जाएगा। क्या बात है? मैंने खर्च करने वाले, ठीक है कि और लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, तो सरकार व्यवस्था बनाई है, तरीका बनाई है, उसको करने की आवश्यकता है जी, 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 और यह मैंने धरती पर उतारा, एक एक पैसे धरती पर उतर गए हैं, जो काम धरती पर हो गए हैं जी।
वो कहीं दिखावे में और कहीं हवा में नहीं है पैसे हैं। जी जी, बस इसी इन्हीं पैसों का थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। मेरा भी सरोकार है, व्यक्तिगत रूप से मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। गाँव गाँव में छोटे बच्चों के लिए पाठशालाएँ खुलवाई जाए, कहा जाता है कि सरकार की तरफ से खुली हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई शिक्षक नहीं होता पढ़ाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, अस्तबल से ज्यादा बुरी हालत होती है, शिक्षकों की कमी थी वहाँ। जी जी, पहले शिक्षक नहीं थे, सही बात है। जी जी, लेकिन वहाँ फिर जब एनडीए की सरकार जब बनी तो नीतीश कुमार जी ने अलग से उस शिक्षकों के, ठीक है तरीके उसके जो हों, लेकिन मानदेय पर भी शिक्षकों के रखने की व्यवस्था वहाँ बनाई गई। और शिक्षक वहाँ आज लगभग शिक्षक उनके क्वालिटी की भी फिर बाद में चिंता की कर उनको अलग से ट्रेनिंग टीटी की ट्रेनिंग दे करके, टीचर्स ट्रेनिंग कर करके उनको फिर योग भी बना करके उनसे काम आज हम ले रहे हैं। और विद्यालयों की आज स्थिति आज देखिएगा तो 2000 में और 2000 के बाद 2019 में, 2000 में जो विद्यालय वहाँ थे जब हमारी सरकार मैंने बीजेपी की सरकार नहीं थी वहाँ एनडीए की सरकार जी, जी, तो बदतर स्थिति थी। कहीं गांव के में प्रवेश करिए और कहीं टूटा फूटा खंडहर के जैसा कोई भवन मिल जाए तो हम लोग वहाँ मानते थे बिहार में कि यह इस गांव का प्राथमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल होगा या फिर हाई स्कूल होगा। बहुत और आज इतना अंतर है कि और गांव में प्रवेश करिए और कोई सुंदर रंग रोंग किया हुआ अगर कोई भवन दिख रहा है तो आप भी मान लीजिए कि इस गांव का प्राथमिक विद्यालय है, बहुत मुझे या फिर मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है, या दोनों में बड़ा अंतर है, यह साधारण बात नहीं है। जी जी जी, आज उसको हमने उस स्थिति पर बदला है सरकार ने, और उसमें भी भारत सरकार का आपको मैंने बहुत बड़ा योगदान है उसमें। मैं अटल जी की, मैं उस सरकार को, वो पूज्य अटल जी को मैं याद कर रहा हूँ, उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को मैं याद कर रहा हूँ। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान की बात याद करिए। आज उसको यह सरकार भी, बीच की सरकार ने भी किसी को उसको भले जितना मजबूती से करना चाहे भले न की हो, लेकिन इस सरकार पुनः उस मजबूती से उस कार्य को नीचे मन ले जाने का काम करे, और वह पैसे के माध्यम से हमने उसका सदुपयोग किया। आपने इतने सारे मुद्दों पर बात की, इतने सारे स्तरों पर जो कार्य कर रहे हैं आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, वो इतने चिंतित हैं, इतने कंसर्न्ड हैं देश की समस्याओं के लिए हर स्तर पर, देश के बाहर जाके भी कर रहे हैं और अंदर भी कर रहे हैं। इस बार अंदर ज़्यादा काम होगा, पिछली बार बाहर ज़्यादा काम हुआ। एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसके बाद मैं अपनी आज की इस वार्ता को, इस मुलाकात को विराम दूंगा। मूलभूत सुविधाओं में एक बड़ी बात है जिसके लिए नरेंद्र मोदी पर उंगलियाँ उठाई गई, कहा गया रोजगार नहीं मिले हमारे देश के नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, जबकि उन्होंने बहुत रोजगार दिए, कम बनिस्बत कांग्रेस सरकारों के पिछले 70 सालों में जो नहीं मिले वो मोदी ने दिए, आने वाले सालों में और भी देंगे। आपकी बात करते हैं, आप अपने क्षेत्र में हम चाहेंगे कुछ ऐसा करें कि लोगों को रोजगार मिले, कुछ नए काम मिले और जीवन खुशहाल हो, रोजगार के बिना कैसे। रोजगार, रोजगार अब देने वाले बनाए जा रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। यह मुद्रा लोन, स्किल डेवलपमेंट, नरेंद्र मोदी का मिशन है। अरे बहुत बढ़िया, या दूसरे किसी ने इतना 70 साल के ज्यादा में किसी ने क्यों नहीं स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया, क्यों ने मुद्रा लोन की वो व्यवस्था शुरू की। जी, हम तो रोजगार खोजने वाले नहीं और रोजगार देने वाले आज देश में ऐसे लाखों करोड़ में लोग बनते जा रहे हैं। जी, और रोजगार लोग देंगे, बहुत अच्छा, छोटे छोटे कामों के लिए, बिल्कुल छोटे छोटे काम के स्किल डेवलप आज किए जा रहे हैं। अब मान ली कि आपको प्लम्बर की आवश्यकता है, आपको कास्ट में काम करने वाले उसके मिस्त्री की आवश्यकता है, हेयर कटिंग के लिए मिस्त्री की आवश्यकता है, आपको एक कील साधारण यहाँ ठोकना हो तो मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, आपसे कील अगर ठोक दीजिएगा तो या तो दीवार का अपने पूरा ये थी प्लास्टर झड़ जाएगा, या अगर लकड़ी में ठोकिएगा तो लकड़ी फट जाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए स्किल डेवलपमेंट, और वह स्किल डेवलप जिसका होगा और एक बैच बना लिया तो 10 लड़कों को काम फोन पर मिल रहा है, मेरे यहाँ भी 4 किल लगाना है, आओ भाई 4 किल लगाया, आया धनाधन मोटरसाइकिल से आया, 100-200 रुपया लिया, आपका तेल भी लिया गया, तो उसका रोजगार चल रहा है, उसके साथ चल रहा है। जी, जी, जी। काम आप अपने नहीं कर सकते, केस कटिंग के लिए वह अगर स्किल डेवलप हो रहा है तो गांव में भी लड़के सीख रहे हैं, मोबाइल बनाने के लिए, मोटरसाइकिल बनाने के लिए, ये छोटे छोटे काम आज गाँव में लोग सीख रहे हैं। और एक भी काम के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, एक का स्किल डेवलप हो गया तो कम से कम 2-4 का और स्किल डेवलप कर रहा है, 2-4 को और अपने सिखा रहा है। और सरकार ने उसकी पूरी, सरकार ने उसकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग से लेकर के लेकर छोटे छोटे से लेकर के बड़े तक, अब ड्राइविंग लाइसेंस में हम ड्राइवर अगर हवाई जहाज चलाते हैं तो पायलट कहते हैं, और ड्राइवर तो आप ही वो हवाई जहाज चलाने ड्राइवर है ना, क्या है नाम उसका, पायलट कहते हैं, पायलट ड्राइवर है। जी जी, हवाई ड्राइवर। जी जी जी, वहाँ अगर मिस्त्री कोई अगर एक कहता है, अगर एक स्क्रू कसता है तो उसको इंजीनियर कहते हैं कि इंजीनियर कस रहा है,
अंतर खाली नाम में है, काम तो एक ही चीज है, काम है। और जिसका जितना स्किल डेवलप हुआ उसका उस अनुसार काम कर रहा है। ये सरकार तो पूरे स्किल डेवलपमेंट में लग करके और उसके लिए मुद्रा की व्यवस्था कर करके सरकार काम कर रही है, जान लीजिए। अभी तक किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, सो भी काम हो रहा है। लोग कहते जाएं, लेकिन लोग कहने वाले कहें, जनता जो विश्वास की है, जनता ने उसी का रिजल्ट अंग्रेज में दी है। मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने समय निकाला, इतनी सारी बात की और आपसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप लोग धन्यवाद, आप लोग भी छोटे छोटे बातों को आप ध्यान ला करके, लेकिन उसमें बड़ी अर्थ निकलने वाली बातें आपने छोटे प्रश्नों के माध्यम से पूछा है। मैं आपको और आपके पूरे टीम को मैं हृदय से बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता को, देवस्वरूप जनता को और देश की जनता को मैं हृदय से बधाई करता हूं। धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद।